क्वेश्चन है विच वन इज द करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट सही है। करंट एंड करंट डेंसिटी बोथ आर स्केलर, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि करंट क्या है हमारे पास स्केलर है, पर करंट डेंसिटी हमारे पास क्या आता है वेक्टर आता है, करंट डेंसिटी क्या है वेक्टर, तो हो ही नहीं सकता। करंट एंड करंट डेंसिटी बोथ आर वेक्टर, ये नहीं हो सकता क्योंकि करंट हमारे पास क्या है स्केलर है और ये हमारे पास वेक्टर है, तो ये भी नहीं हो सकता। करंट इज ए वेक्टर, करंट क्या है हमारे पास स्केलर है, नोट के वेक्टर स्केलर है हमारे पास करंट, बट करंट डेंसिटी इज ए स्केलर और ये क्या हमारे पास वेक्टर है। ओके, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर बट करंट इज ए स्केलर, ये हमारे पास ऑप्शन क्या है सही है। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर बट करंट इज ए स्केलर, क्योंकि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट बाय में एरिया, करंट बाय में एरिया, करंट क्या होता है हमारे पास स्केलर और जो एरिया होता है वो बोथ स्केलर एंड वेक्टर, बिकॉज क्योंकि स्केलर किस फॉर्म में होता है, जब वन डायमेंशन में एरिया पूछा जाता है तो हमारे पास क्या होता है स्केलर होता है, क्योंकि ये क्या होता है इट्स मैग्नीट्यूड ओनली वन डायमेंशन में। अगर प्लेन में प्लेन का एरिया अगर दे रखा है तो उस केस में क्या होता है ये वेक्टर होती है, बिकॉज इन प्लेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, प्लेन में क्या होते हैं बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये दोनों हो सकता है, पर जनरली इसको एरिया को स्केलर माना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा स्केलर बाय स्केलर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास वेक्टर, तो इस वजह से करंट डेंसिटी वेक्टर है और करंट क्या हमारे पास स्केलर, क्योंकि करंट के पास क्या होते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो इस वजह से डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।